हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आपने कल के व्लॉग में देख ही लिया है कि ये तीनों मेरी ननदें हैं, वो आई है मेरे घर पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो एक ही ननद है, ये तीन कैसे? तो ये एक्चुअली इनकी चाचा की बेटियाँ हैं, तो वही अभी जा रहे थे वो लोग, तो इसी वजह से उनको वो साड़ियाँ और टॉवेल नारियल दिया जाता है। हमारी तरफ बेटियों को साड़ियाँ देते हैं और दामाद जी को टॉवेल और नारियल देते हैं, तो यही रीति रिवाज होते हैं वो जो निभाने पड़ते हैं, तो वही चल रहा है यहाँ पे। और बस अभी ये चले जाएंगे सब, और उसके बाद मम्मी और दीपाली ही रहेंगे। एक्चुअली भाई भी इनको छोड़ने के लिए जा रहा है गाँव, गाँव छोड़ने वाले हैं। ये भी जाने वाले हैं, एक कार में वो जाने वाले हैं सब जेंट्स, और एक कार में लेडीज जाने वाली है सारी। और ये और भाई उनको दोनों कार में छोड़ के आने वाले हैं, और भाई को कुछ काम है तो वो मेरे मायके जाने वाला है उधर की उधर ही। ए बिल्लू, चले क्या? अरे चला बाय। फक्त हात पाहशील हा। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग रोटी का चूड़ा खा रहे हैं। रोटी का चूड़ा तो आपको पता ही होगा, एक्चुअली बहुत सारी रोटियाँ बची थी, क्योंकि आप लोगों को पता है रात को कितनी सारी रोटियाँ बनाई थी, उसमें से काफ़ी सारी रोटियाँ बच गई थी, तो उसका ही चूड़ा बनाया था। और इन्होंने बनाया था चूड़ा, मतलब अभी मुझे पता चला है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा चूड़ा बनाते हैं रोटी का, मतलब टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 12, आप देख सकते हो 12 बजने के लिए 10 ही मिनट बाकी है। और इनका तीनों का, मतलब माही, अद्विक और दीपाली, इन तीनों का कैरम खेलना चल रहा है इतनी रात तक। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से मैं इनके साथ नहीं खेली। ये तो बहुत लेट तक खेले, एक दो तो बज ही गए होंगे इनको खेलते खेलते, बहुत लेट तक खेले ये लोग। बट हम लोग सो गए थे सारे, यही तीनों खेल रहे थे बस। और दीपाली को इन लोगों के साथ, दोनों के भी साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो इसी वजह से खेल लेती है दीपाली। पार्सल आया है, ओपन किया है, ये वॉच है इनकी, इनके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। बट अभी आपको दिखा देती हूँ कौन सी वॉच है। एक्चुअली मैंने आपको इससे पहले दिखाई हुई थी, ये जो वॉच है वो मैंने टाइटन के शोरूम में देखी थी, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट उस टाइम इन्होंने नहीं ली थी, तो इसी वजह से ये वॉच मैंने ऑर्डर कर दी। अमेजोन पर बहुत सर्च किया इस वॉच के लिए और ये ऑर्डर कर दी थी, तो अभी देखो ये रिसीव हो गई है मुझे, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। इनके बर्थडे पे मैं यही गिफ्ट देने वाली हूँ उन्हें। इतने दिनों से सर्च कर रही थी ये वॉच मैं, और फिर लास्ट में ब्लू डायल, मतलब वो लास्ट में सर्च किया अमेजोन पे ब्लू डायल, ब्लू बेल्ट वाली वॉच, और इसका नंबर और वो पता नहीं था ना कि क्या नंबर है इसका क्या नहीं। अभी सेल चल रहा है ना तो अमेजोन पे, तो थोड़ी सी सस्ती मिल गई टाइटन के शोरूम में मुझे। ये वाली वॉच है, देखो एक मिनट, ये वाली वॉच है, बहुत ही सुंदर वॉच है ये, देखते ही इनको पसंद आएगी, मतलब इनको खुश हो जाएंगे वो।
तो इसी वजह से मैंने इनके बर्थडे पे, अभी बर्थडे कब है वो नहीं बताऊंगी, बर्थडे नेक्स्ट मंथ में है, जल्दी से ही आने वाला है उनका बर्थडे, बट जल्दी मुझे अभी सेल चल रहा था ना तो थोड़ी सी सस्ती मिल रही थी, तो इसी वजह से मैंने इनके लिए ले ली। और ये वॉच इतनी सुंदर लगती है हाथों पे, इन्होंने जब देखा था ना तो उसी टाइम मेरा दिल आ गया था इस वॉच पे, और बहुत ही ज्यादा अच्छे है। और ये बेल्ट जो है ना, ये लेदर का नहीं है, रबर का बेल्ट है ये, तो इसी वजह से ये टूटने उटने वाला नहीं है बेल्ट। और देखो वॉच के डायल वायल कितना अच्छा है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, और इनके हाथों पे बहुत ही सुंदर लग रही थी ये वॉच, तो ये ले ली। अभी इनको गिफ्ट मिलने वाला है बर्थडे पे, ये देखो इस तरह के केस में आई है ये वॉच। अभी इसका जो ये है टैग वैग है मैंने निकाल दिया, क्योंकि रखना है तो इसी वजह से टैग वैग रखने से कोई फायदा नहीं, अभी ये लगा के रख देती हूँ ऐसी की ऐसी। और हाँ, अगर आपको भी परचेस करनी है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है या आपको परचेस करनी है तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक सेपरेट लिंक भी है और माय हॉल स्टोर का लिंक भी है, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो अगर आपको परचेस करनी है तो। और अगर प्राइस भी आपको देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करके प्राइस देख सकते हो इसकी कितनी है अभी। और हाँ, अभी सेल चल रहा है तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगी, क्योंकि 10,000 की मुझे शोरूम में बता रहे थे, और मुझे पता नहीं अभी बहुत ही कम में मिली है ये वॉच, तो आप चेक कर लीजिए प्राइस इसकी आपको अगर जाननी है तो। गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। मम्मी चुप रही है यहाँ पे, मेरे पूरे आंखें सूजे सूजे से लग रही है, फेस भी सूजा सूजा सा लग रहा है। दीपाली अभी बोल रही थी मुझे, हाँ दीदी आपकी आंखें सूजे सूजे से लग रही है, पूरा फेस भी सूजा सूजा सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। और हाँ, गौरव आया है, मिलाती हूँ आपको उससे भी थोड़ी देर के बाद। आप लोग पूछ रहे थे ना गौरव प्रोग्राम में क्यों नहीं आया था, तो उस टाइम अभी बता रहा है वो कि ये उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, एक से दो बुखार था इसी वजह से। आ जा, तो ये आया है गौरव यहाँ पे। हाय, आज तीन यूट्यूबर एक साथ। तुम मराठी में हो गए? नहीं, हिंदी। अच्छा, तो गाइस स्पेशली मैं इन लोगों को मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि एकदम से हो गया। ऐसा होता है मराठी हिंदी बोल। हाँ, मैं ज्यादा मराठी ब्लॉग करता हूँ इसलिए मैं तो काला लग रहा हूँ उसमें। तू है ही काला। इतना काला नहीं हूँ मैं, लाइट का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। ये लाइट ना ऐसे ये, हाँ ऐसा कर। हाँ भाई, और अभी पसीना पसीना हो रहा है ना इसी वजह से, बहुत गर्मी हो रही है, तो इसीलिए फिर इसी। और हाँ मैं देखो गोबलू नहीं, सूजी सूजी से लग रही हूँ, क्यों नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं तबीयत ठीक नहीं है ना इसीलिए, तबीयत खराब है तो इसीलिए अभी आया ना वो, इसी वजह से बात भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं फ्रेश होकर रेडी हुई हूँ। कई तबियत खराब नहीं है तुला, तुला जायचा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी को। मम्मी एक दिन अच्छे से रहती है, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगता है किसी के घर में। मेरे घर पे भी एक दिन आती है ना, एक दिन अच्छे से रहती है, मतलब खुशी खुशी से आती है, दूसरे दिन से उठ जाता है उसका स्टार्ट। मैं जाती हूँ, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे अपने घर पे जाना है, वही हो जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी दो दिन तो अभी, कल तो परसों, हाँ परसों ही आया ना, परसों, हाँ परसों आया। और देखो अभी उसका स्टार्ट हो गया, हाँ चालू हो गया बस। आज तो इतना मतलब सुबह से परेशान कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, हाथ चाय बना के हरकत नहीं, बनाते थे, टेंशन नहीं है। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद गाइस, थोड़ा सा उसके फ्रेंड आया है उनसे मिल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अरे ये ना, ये फैन मजे में, ये फ्रेंड है गौरव का, क्या नाम है आपका? अद्विक राम। और आपका? चेतन। ये तो गौरव आप जानते ही हो गौरव को। लाइट क्यों नहीं ऑन की है? ये है, ये देखो अद्विक का चालू हो जाता है। चाय पियोगे सब लोग या कॉफी? चाय ना, सारे चाय लग रहे, सिर्फ कॉफी वाला, कॉफी वाला वैभव है ना, कॉफी मेरा कॉफी पार्टनर है वो। जब भी जहाँ पर भी जाते हैं ना हम लोग, चाय पार्टनर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब भी जहाँ पर भी जाते हैं हम लोग तो कॉफी हम लोग साथ में ही पीते हैं वैभव और मैं तो। और ये चाय लवर है,
तभी इतने काला नहीं भाभी बना रही है आज चाय, भाभी के हाथों से पियो आज चाय बनी हुई। हाँ दीपाली बनी के हाथों से अभी वो बना रही है। तो चलो और क्या नाश्ते में क्या खाओगे? खाना खा लो डायरेक्ट। हाँ ठीक है एक मिनट। और दीपाली चाय बना रही है गौरव के लिए। ये यहाँ पे काफी वो कॉफी नहीं पीना चाहता ना, इसी वजह से सब लोग चाय पीना चाहते हैं, तो यहाँ पर दीपाली चाय बना रही है। वही नहीं चाह अच्छे है, ताई फक्त देता है। करते म्हणजे केला पाच का माझा। नाही मी असेच करते। तो खाना तो बन गया है। कैसी गई एग्जाम? बहुत अच्छी थी। इजी थी। चलो खत्म टेंशन आज से। चलो अच्छा बनी है पातोड़ी की सब्जी और यहाँ पर रोटी दाल और यहाँ पे चावल है। माही को जोरों की भूख लगी है इसी वजह से माही खाना खा रही है। सुबह दीपा मैंने नाश्ता बना के दिया था पूरे का, वो खाया और जोर भूख लग गई। हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। कल रात से मतलब कल रात को भी बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी, आज बहुत लेट उठी मैं। मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, उसके बाद एक दर्शन हुआ, उसके बाद कल रात को और तबीयत मतलब फीवर चढ़ गया था। मैंने टैबलेट ली उसके बाद सो गई, तो सुबह इतना मतलब देखो आँखें अभी भी सूजी सूजी सी लग रही है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। वायरल तो है बोल रहे थे डॉक्टर, बट ये ना एग्जर्सन की वजह से भी हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे अभी ठीक होगा। ठीक है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ना बॉडी को तब ठीक हो जाएगा वो। तो चलो अभी मम्मी वगैरह आई है तो अच्छा लग रहा है, बट उसका जाने का मन कर रहा है घर पे, तो इसीलिए बहुत परेशान कर रही है मम्मी मुझे। छोटे बच्चों जैसे जिद कर रही है कि नहीं जाना है जाना है जाना है। दीपाली को भी अभी दीपाली का भी वही है ना, महालक्ष्मी का काम है घर पे और वो है सारी चीज़ें है, तो दीपाली का भी अभी मन नहीं लग रहा है। बट भाई गया है काम से कुछ वहाँ पे, तो बाहर भी जाना नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि दीपाली के साथ बाहर जाऊंगी ये एंजॉय करेंगे, बट मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, भाई भी उधर चला गया है, इनकी ड्यूटी है। भाई बाहर लेके जाता हमें, बट भाई भी मतलब लेके नहीं जा पा रहा है हमें, तो इसीलिए वो अभी पता नहीं आज आएगा या नहीं आएगा। आज आने वाला है ना गोलू? हाँ शाम को आने वाला है, तो फिर जाएंगे शायद बाहर घूमने के लिए पार्टी। तो चलो फिर अब भी खाना खा लो भाई के साथ। हाँ मम्मी है, मम्मी भी, मम्मी का भी खाना रह गया है, मैं हूँ, अद्विक है और गौरव, पता नहीं गौरव मना कर रहा है खाने के लिए। परत ठीक है ठीक है। गौरव
ये परत लवकर चलो आना जल्दी से महिन्यातून एक चक्कर चलो फिर नहीं नहीं फिर भी खाना नहीं खाया आप लोगों ने जिम लगा रहा वो होना चाहता जिम लगा के मतलब कम तो होना चाहता चलो मोबाइल वगैरह हाँ हाँ चलो बाय 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 चलो आओ दोबारा चलो बाय बाय चलो गाइस गौरव तो गया है उसको बाय करके आई हूँ अभी खाना खाना है दीपाली को पूछती हूँ उसको भूख है या नहीं है मम्मी को पूछना पड़ेगा क्योंकि अभी साथ में ही खाएंगे क्योंकि इतनी भूख नहीं है यार मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का बट खाना पड़ेगा नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा अभी भी और देखो एक बज रहा है अभी तो चलो खाना खाते हैं नानी आने के बाद नानी का फोन हमेशा अद्विक के पास ही रहता है बंद करो अद्विक अद्विक नहीं यहाँ बंद करो चलो लाओ जल्दी से देखो है इसका जिद करने लगे हो आजकल आप बहुत ज्यादा हाँ चलो वो तो है ही देखो क्या क्या बोला आपने अद्विक क्या बोला आपने करता तो हुई जिद तो करता है हुई गाइज इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय गाइज ध्यान रखना अपना।